अभी अभी तो शुरुआत की है एक दिवसीय करियर की, इस वजह से वो जो आंकड़े थे वो इस खिलाड़ी के हुनर को बता नहीं रहे थे। रन्स, एक दो नहीं पूरे चार, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी की है शुरुआत। शॉट बॉय चार रन के लिए कवर पॉइंट के बीच में से। ऋतुराज भी आज अपना राज दिखा रहे हैं यहाँ पर। आकाश भी अच्छी फॉर्म में रहे, कुछ चांस मिले कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये भी काफी हरफम फोला खिलाड़ी रहे हैं। बाहरी किनारा और भाग्य का साथ भी मिला वहां पे ऋतुराज गायकवाड़। इस गेंद से पहले एक वो फील्ड में बदलाव किया था। ये देखिए ऋतुराज का ये राज वाला चौका, क्या शॉट है ये। गेंद खराब नहीं थी लेकिन इस शॉट में क्लास उभरते हुए ऋतुराज गायकवाड़ की। तो एडम जैपा को नजर आएंगे नहीं तो इस तरीके से वो चौके आपको दिखाते रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ इतनी जल्दी पोजीशन में आए थे और कमाल की टाइमिंग और प्लेसमेंट। ये जो नॉकिंग वाला शॉट था ये, चलिए एक फ्रंट फुट से उस शॉट का मजा उठाइए और ओवर की अंतिम गेंद पे बैक फुट से चौके का लुत्फ उठाइए 66 बिना किसी नुकसान के। इस बार छोटी गेंद की सो चौका मिलेगा। लकी फोर रन्स, नियंत्रण में नहीं थे ऋतुराज गायकवाड़ लेकिन रन्स आर रन्स। लेकिन ये शॉट कड़क है, ये ऋतु का राज है। लगातार मौके मिलते नहीं है इस खिलाड़ी को लेकिन आज मिला है, इस सोच के साथ मिला है कि दो ही मैच खेलेगा बच्चा। और यहाँ पे कोई फील्डर नहीं मौजूद है लेकिन उसके साथ साथ अर्धशतक भी पूरा, मेड इन वन डे इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी ऋतुराज गायकवाड़ की। क्या पारी, तीसरा ओडीआई और उसी के साथ अपने आप को अनाउंस किया मोहाली में। और ये पारी और ये स्ट्रोक हमेशा याद रहेगा क्योंकि इसी के साथ ब्लूज में पहली 50 वनडे क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। इस बार हवा में गया है शॉट और साथ में गैप में भी, तो चार रन और जोड़ दीजिए ऋतुराज के खाते में। ये कमाल की बैटिंग है, ये हाई स्टैंडर्ड है इस बैटिंग में। ऋतुराज और शुभमन गिल परोस रहे हैं मोहाली के इन फैंस के सामने। और सिर्फ खेल नहीं रहे, ओहो वाह, बैट और गेंद का क्या तालमेल है। नजर आते हैं बिल्कुल ऐसे नजाकत भरा चौका, पेस का इस्तेमाल किया, गेंद को आने दी, शॉट थे नहीं, चतुराई भरा शॉट।